यदि पशु की बजाय परमेश्वर बनना है तो बुद्धिमान बनना पड़ेगा। बुद्धिमान वही जो बुद्धि पूर्वक विषय को जाने नहीं बुद्धि पूर्वक चलिया है। यहाँ बैठा भी कौन आदमी नहीं जानता है कि चोरी करना पाप है? कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, सब जानते हैं झूठ बोलना पाप है, सब जानते हैं। नहीं, ये आपको सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान है। जब आपको वास्तु में भाव पूर्वक इसका ज्ञान होगा तो ये आचरण में उतर जाएगा। उसी ही कहते हैं बुद्धिमान, उसी ही कहते हैं बुद्धू की बजाय बुद्धत्व की प्यास। ये तो बुद्धू के नाम है, सब कर रहे थे। बुद्धू लौट के घर आए, कितना जीवन पाया बताया क्या संसार, वही मिट्टी का घरौंदा। जिस घरौंदे को तूने बहुत बार छोड़ा है, तोड़ा है, बसाया है, और उस घरौंदे में तुम्हें संतोष मिला नहीं, मिला होगा तो तोड़ते नहीं इसका अर्थ हुआ घरौंदा प्यास बढ़ाता है, प्यास शांत नहीं करता। वृक्ष का पानी प्यास बढ़ाता है, शांत करता है? मेरी अपनी जिंदगी में अब तो नहीं, पहले भी वृक्ष का पानी नहीं पिया। जिस दिन से ब्रह्मचर्य व्रत लिया उस दिन के बाद वृक्ष की वस्तु का उपयोग नहीं किया। घर में रहते हुए छह वर्ष रहे ब्रह्मचर्य व्रत, फिर भी फ्रिज के पानी की क्या विशेषता है? देखने में, छूने में उष्ण और स्वभाव में, छूने में शीत और स्वभाव में उष्ण। पीने के बाद प्यास बढ़ती है, घटती नहीं। याद रखना संसार का भरोसा प्यास बढ़ाने वाला है। जैसे फ्रिज का पानी छूने में ठंडा है, ऐसा संसार देखने में अच्छा है। और वास्तव में मेरे से कुछ मत कहो, आज 5 मिनट एकांत में शांत में बैठ के अपने आप से प्रश्न करना, क्या तुम्हें यहाँ कुछ मिला है क्या? अभी जब दबाने की कोशिश करते हो, तो आचार्य कहना चाह रहे कि बुद्धिमान बनो और बुद्धि बनने की उपासना करो। तू जो बुद्धिमान आपके स्तोत्र को पढ़ता है, सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा क्या मांगेगा? मुल्ला की दौड़, चूहा की दौड़, मगरे का है ना, मुल्ला की दौड़ मगरे का, चूहा की दौड़ मगरे का। घर में चूहा दौड़ के कहाँ जाएगा? ऊपर। अब तो मान लो आरसीसी है, जब लकड़ी का ऊपर होता तो चूहा दौड़ के कहाँ जाता था? ऊपर, बस इससे ज्यादा उसे नहीं। ऐसा ही आप जब भगवान की स्तुति करेंगे तो क्या मांगेंगे? वही बनना है। कुछ अलग ही हमने पाया है, मांगना से ना है। तो जो बुद्धिमान पढ़ते हैं कैसे? भक्ति से। एक तो टेप रिकॉर्ड भी चलता है, टेप रिकॉर्ड चल रहा है, सीडी चल रही है, किसको कौन मिल रहा सीडी को? और क्या, जब आप बोलते हो
नहीं मिलेगा। क्यों? सीढ़ी अचेतन है, पाप पुण्य का बंध चेतन करता है, अचेतन नहीं करता। यदि अचेतन को पाप पुण्य मान लोगे तो डिब्बे में रखी हुई रोटी को भी पाप बंध हो जाएगा। तो चेतन को पाप पुण्य बंधता है, इसीलिए याद पर
आपको लीकेज हो गया, आप टैंक में से पानी वहीं के वहीं बाहर जा रहा है। क्यों ना हम प्रयास करें। मैं तो यहां कहती कि रोज ना पढ़ के आप दो दिन में एक दिन पढ़े, परंतु मन को इतना तन्मय कर दे, इतने उसमें तल्लीन हो जाए कि आपको ये भाव खत्म हो जाना चाहिए कि विषय विषय मेरे को पूरा करना है। नियम का निर्वाह प्राथमिक दशा में तो अच्छा, नियम का नियम पालना है, नियम निभाना है। अरे थोड़े दिन बाद तो निर्माण का दृष्टिकोण होना चाहिए कि नियम का निर्माण भी निर्माण की प्राप्ति के लिए है। नियम का मूल आधार क्या है, क्या किसको संस्कार बनाए जाए मन पर, फिर संस्कार बनाने के बाद उन बात माता जी जल्दी गले नहीं उतरती, नहीं उतरती ना, नहीं गले तो उतरती है हृदय में, नहीं तो गले तो उतरती है, अच्छी तो लगती है। अगर अच्छी नहीं गली होती तो आप यहाँ एक महीने यहाँ नहीं बैठते। गले तो उतरी है, परंतु गले के बाद नीचे उतरने को तैयार नहीं है। मुंह में रखने से पेट कब भरता है, नीचे समझ गए ना। मैं इतनी देर में जो कहना चाह रही थी वो आप एक मिनट में समझ गए। मुंह में रखने से जिह्वा इंद्रिय से स्वाद तो मिलेगा, परंतु भूख शांत होने वाली। एक दिन आप ऐसे करो, दूध पियो मुंह में डालो छूट दो, दूध पियो मुंह में डालो छूट दो, भूख शांत हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना। सब कह रहे हैं, एक भी नहीं कह रहा, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बस यही फार्मूला जीवन ने अपनाना है कि मैं आज तक वैदिक संप्रदाय में नियम है भोग लगाने का, जैसे शंकर जी के पूजन हो रहे ऐसा घुमा के हो। हमारी पहली स्टूडेंट लाइफ की फ्रेंड थी, वो वैष्णव संप्रदाय की थी, तो मैंने देखा भोग लगाया और रख दिया। क्या उस मूर्ति ने खाया, नहीं खाया ना, दिखा तो दिया और रख दिया। परंतु इसे निगला नहीं जाता है, पचाया नहीं जाता है। क्यों, भाई जब निगल भी गए और पाचन क्रिया कमजोर है तो क्या होता है, हिमोग्लोबिन कम क्यों होता है। भोजन जो आपने किया है वो जब पूरा नहीं पचता है तो सप्त धातु रूप नहीं बनता है, परिणाम यानी कि आचरण में भी उतरना चाहिए। तो भक्ति का भोग अभी तक आप किसी भगवान को लगाते रहे हैं, अब तो स्वयं को लगाना है कि जागो इस भक्ति से गृहस्थ को। सबसे सरल तरीका है और
एक भक्ति योग मार्ग, एक ध्यान योग मार्ग। ध्यान कौन, कितने लोग ध्यान करते हैं? कोई नहीं करते, सबको नींद आती है, आती नहीं थी। एक माला फेरी गई की क्यों, इसका समाधान भाव संग्रह में देवसेन आचार्य ने बड़ा सुंदर दिया। यह गृहस्थ सुबह से शाम तक लोहार की ढोकनी के समान, समझते ना, और राजस्थानी है सब जानते हैं, लोहार की ढोकनी के समान सुबह से शाम तक धक 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 करता है, संसार के आरंभ सारंभ करता है, संकल्प विकल्प करता है, दौड़ता है, भागता है। जब ढोकनी शांत हो जाती है तो लोग समझते ढोकनी ध्यान करते। जब आप ध्यान में माला में बैठते हैं तो आ जाती है नींद। मैं नहीं कह रही हूं, देर से ना चाहिए। और जब यह श्रावण हल्की सी नींद आ जाती है से बड़ा शांत महसूस होता है, तब क्या है आत्मा के दर्शन। निद्रा और तंद्रा, निद्रा किसे कहते हैं? हम सोते हैं, परंतु जो बैठे बैठे ऐसा होता उसे क्या कहते हैं? तंद्रा। हर किसी नींद आ जाती है, आप फ्रेश हो जाते हैं, तब आपको लगता बहुत मजा आया। इसीलिए आचार्य ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या कहा?